धर्म को प्रवेश कर रहे थे। Now put your hands together to welcome them. Please clap in order. वैसे हम घबराए तो। Thank you very much, sir. Probably the whole division, लेकिन most appropriately this whole tehsil and institute will come. And good morning to all present here. I am Mir Saqib Mushtaq and Kapoordar. ये जो जरा दिल को जाता कर रहे हैं Kapoordar, इन इदारों को आप खुदा अदा कर रहे हो, जो जहाँ पे इल्म होता है वहाँ बताया। ये इनकी देन है जो मैं जरा साजिश हूँ कभी से करने से, स्पीच पेश करने से, या कोई कुछ भी यहाँ पर बोलने से क्या फर्क पड़ता है। जा रहा हूँ अपने और यहाँ पर तशरीफ आकर तो ये तन दही के साथ हमेशा उनको अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ। Education, as a famous quote goes, education is our were the worstly affected by the conditions ummat par tu shaheen hai basera ka hum sab ka utna time nahi lenge giving all other responsibility but education utni important nahi hai, knowledge is more important. Hum logo ne syllabus diya hai education mein, hamari सोसाइटी कहीं परेशानियों से दो चार है। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे कहीं परेशानियों से दो चार है। As soon as our class started at that time, my five points. Hola, Asik Bashir from Maga. Khan Hina, as the sir has dedicated his जी पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि जो आप हमेशा लोगों के मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाते हैं और जो अच्छे काम हैं उनके लिए आप हमेशा से आगे आगे होते हैं और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहां पे आए। क्योंकि हमने एग्ज़ाम किया था गैट 21 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेशन क्लब कश्मीर के नाम से किया था अंडर द बैनर ऑफ एजुकेशन क्लब कश्मीर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी कॉन्ट डू एनी थिंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, विदाउट द सपोर्ट ऑफ आवर टीचर्स एंड ऑल्सो विदाउट द सपोर्ट ऑफ आवर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने गैट 21 का एग्ज़ाम किया था तो उसका जो इसमें हिस्सा लिया था वो उसमें 1269 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट। जी क्या आने वाले वक्त में और ऐसे प्रोग्राम आप करेंगे जिस तरह आप लोग भी आपका इस तरह की सराहना करेंगे, बाकी स्कूलों का भी आपको अच्छी तरह सपोर्ट भी मिलता है तो उस वजह से क्या? जी हम इस पे वर्क करते हैं, जो मैन पावर है उसकी कमी है, अब लड़के इसके साथ जुड़ रहे हैं और सिविल सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और हमारे जो टीचर्स फॉर्म है चाहे गवर्नमेंट टीचर्स है, प्राइवेट टीचर्स है, प्राइवेट स्कूल्स के हेड्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इससे आगे भी ऐसे इवेंट्स किए जाएँ। जी मेरा नाम सीरत है और मैं जगरपुरा से रहने वाली हूँ और मेरा जो स्कूल है वो हिल ग्रैंड सेकेंडरी स्कूल हंदवारा। जैसा कि एजुकेशन क्लब कश्मीर की बात है तो ये एग्ज़ाम जो है हमारे 2019 में हुए थे, मतलब विंटर्स में हुए थे। तो पहले हमारे जो है ऐसे एक राइटिंग पोर्शन हुआ था, उसके बाद हमारा एक वाइवा हुआ था। तो जब हमारा राइटिंग पोर्शन हुआ था उससे जो है हम एक मतलब एक तरीके से हम मल्टी सब्जेक्ट्स में जो है एक चैम जैसे बन गए थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे, जैसे हमारे जनरल नॉलेज के कहे आप, साइंस कहे आप या सोशल साइंस कहे, बाकी सब्जेक्टों में सबों में जो है हमें एक एक नॉलेज ऐसी मिल गई और जहाँ जहाँ पे हमने लैक किया यानी जहाँ पे हमें मार्क्स उतने मतलब डिडक्ट हो गए, हमें लगा कि कहाँ पे हमारे लूप होल्स है। उसके बाद बात करें वाइवा की, वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इन्हेंस हो गई। जब हमने बात की दूसरे कम मतलब जो आए थे इंटरव्यूअर्स हमारे साथ, उनके साथ बात की हमने, तो हमें पता चला कि कैसे बात करने का अंदाज़ है, कैसे हमें बात करनी चाहिए और कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल जो है ख़ुद में इन्हेंस करने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे हिडन टैलेंट जो है वो निखार आए? जी मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, इससे जो हमारे टैलेंट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर होते हैं बच्चों में और जो बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मतलब इनमें एक हिम्मत होती है कि फिर से ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेट करें और फिर से जो है इनको खुद के टैलेंट जो है छुपे हुए टैलेंट जो है पता चले। क्या कहेंगे एजुकेशन क्लब कश्मीर जो है किस तरह के काम कर रहे हो, किस तरह आप इसको सराहते हैं? ये जो मेरे हिसाब से एजुकेशन क्लब कश्मीरी जो है बेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये बिना किसी प्रॉफिट के या बिना किसी, इन्होंने जो है जब
एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए, उसके लिए भी सिर्फ 50 रुपीज़ जो है उन्होंने लिए, यानी बहुत कम से कम। अगर बाकी एग्ज़ाम्स का देखा जाए तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा हाई लिया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है जब अवार्ड सेरेमनी हो तो नेगलेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सबों को हौसला अफजाई के लिए जो है कॉन्फिडेंस देने के लिए सबों को अवार्ड से फैसिलिटेट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो है इनकी एक लाइब्रेरी भी है, स्कूल लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर जो है फ्री बुक्स प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को जिनको उनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देखेंगे अगर कोई बच्चा जो है ड्रग एडिक्ट हो, अगर हमें पहले उसकी बात करें तो हमें देखना चाहिए उसको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो किस वजह से जा रहा है ड्रग एडिक्ट, वो क्यों बन रहा है ड्रग एडिक्ट, क्यों, क्या ये स्कूल्स की वजह से वो ड्रग एडिक्ट बन रहा है, क्यों उस पर इतना स्ट्रेस पड़ रहा है कि उस मतलब वो जो है उसकी तरफ जा रहा है, तो क्यों अगर इसमें स्कूल जो है उनकी वजह, तो उन्हें भी चाहिए जो अपना स्टाइल है पढ़ाने का उसमें जो है तब्दीली लाए, ताकि वो भी जो है स्ट्रेस में ना जाए, उन्हें भी ये ना लगे कि जो हम बिल्कुल हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, हम जो है बॉटम पर, हम जो है एवरेज है, बिलो एवरेज है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हमारे माइंड को जो है रिलैक्सेशन मिले और इस सब मतलब जो ये सब चीज़ें इससे जो हमें एक सुकून मिले। बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज है? बाकी बच्ची और बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो भी जो है ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है पार्ट ले, चाहे कोई रैंक आए ना आए, चाहे उन्हें जो है कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी चीज़ उनमें जो है आती है कि एक हिम्मत आती है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम में भी कुछ है, चाहे इस बार जो है फेलियर ही बन जाए, लेकिन फेलियर जो है एक नई उनके लिए एक नई शुरुआत होती है, एक नया स्टेप होता है कि वो एक नई सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे।